नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे बहते हुए खून को रोकने के कुछ घरेलू नुस्खे, घरेलू तरीके। दोस्तों अक्सर क्या होता है, बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी कभी कभी अचानक से कोई चोट लग जाती है और तुरंत हमारे पास ब्लड को रोकने का कोई उपाय नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, घरेलू वस्तुओं को उपयोग करके किस तरीके से हम बच्चों का बहता हुआ ब्लड या खुद को कभी चोट लग जाए तो हम कैसे अपने ब्लड को रोक सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी नुकसान होता है चोट या किसी एक्सीडेंट से, वो सिर्फ खून बहने की ही वजह से होता है। यदि खून को आप रोक सके तो जो नुकसान की संभावना है वो 90% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ सदस्यता ले, दोस्तों इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो आप रोज देख पाएं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बहते हुए खून को, कभी चोट लगने पर या किसी और कारण से ही अगर आपका खून बह रहा है तो उसको आप किस तरीके से रोक पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो घरेलू तरीका है और सबसे आसान तरीका दुनिया का वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है बर्फ। हमारी फ्रीजर में जो हम बर्फ जमाते हैं शरबत वगैरह में मिलाने के लिए, वो आइस क्यूब हमें लेना है और जो भी संभावित चोट वाली जो जगह है जहां से हमें ब्लीडिंग हो रही है वहां आसपास आपको रगड़ना है। दोस्तों सबसे तेजी से सबसे जल्दी क्लोटिंग क्लोट बनाती, खून का थक्का जमाती है बर्फ, और साथ ही साथ यदि आपको तेज दर्द हो रहा है तो उससे भी राहत सबसे तेज बर्फ दिलाती है। आप कोई मेडिसिन कुछ भी यूज करें, बर्फ से ज्यादा तेज दर्द से राहत दिलाने वाली कोई भी और चीज नहीं है। तो दोस्तों बर्फ सबसे अच्छी चीज है, इसको जरूर याद रखें और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी करें। सेकंड दोस्तों मैं बात करूंगा टी बैग की। चाय पीने के बाद अक्सर हम इन टी बैग्स को फेंक देते हैं, तो इन टी बैग्स को यदि आप बहते खून पर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये भी एक बहुत कारगर दवाई है। इसको आप कैसे इस्तेमाल करें, टी बैग को आप लें और उसको पहले पानी में डाल लें। पानी में डालने के बाद जो भी घाव वाला हिस्सा है जहां से ब्लीडिंग हो रही है बराबर, उस पर टी बैग रख के और उसको हल्के से दबा कर रखे रहे, लगभग 5-10 मिनट तक रखे रहे। जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो ब्लीडिंग रुक चुकी होगी आपकी। ये भी तत्काल राहत देने वाला नुस्खा है, इसको भी जल्दी इस्तेमाल करें। दोस्तों एक और चीज है जो बहुत साधारण है, हर घर में पाई जाती है और ज्यादातर लोग इसको जानते होंगे क्योंकि हमारी जो दादी वगैरह या जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं वो इस नुस्खे को हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी हमारे सभी खाने में यूज होती है, उसी हल्दी को कभी भी आपको ब्लीडिंग हो रही हो, चोट लग जाए तो आप हल्दी को घाव में भर भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये क्लोटिंग तो करती है ब्लड की, साथ में किसी भी टाइप का इंफेक्शन अगर आपकी स्किन में हो रहा हो उस घाव की वजह से तो उसको नहीं होने देती। ये डेफिनेटली मतलब फैक्ट है, इसको ज्यादातर लोग वैसे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हल्दी रामबाण चीज है। किसी भी घाव में चोट में कभी भी आपको किसी भी टाइप की कोई चोट लगती तो उसमें आप तुरंत हल्दी लगा लें, बेफिक्र रहें, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और खून भी बहना तत्काल रुक जाएगा। दोस्तों एक और चीज की बात करूंगा मैं, जो पुरुष दाढ़ी बनाते हैं या बाहर कभी बनवाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा दाढ़ी बनाते में हल्की सी ब्लेड लग जाती है, तो जो कटिंग सेविंग वाले लोग रहते हैं, नाई जिनको बोलते हैं, वो बर्फ लगाते हैं। वो बर्फ सॉरी मैं फिटकरी की बात कर रहा हूँ, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी गीली करके और उसको हल्की सी आपकी सेप के ऊपर फेर देते हैं। आपका कितना ही कट लगाओ, जबकि ब्लेड का कट जो होता है वो तेज होता है, उससे ब्लड ज्यादा बहना चाहिए, लेकिन फिटकरी लगाते साथ ही तत्काल ब्लीडिंग रुक जाती है। दोस्तों बहुत ही कामयाब तरीका है ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो आप यदि अगर फिटकरी उपलब्ध हो तो फिटकरी को आप थोड़ी देर तक बस दबा कर रखें, या अगर पीस के उसको भरना चाहे तो भर दें। ये फिटकरी भी इन्फेक्शन को रोकती है, खून का बहना तो खैर तुरंत रोक ही देती है, लेकिन ये इन्फेक्शन के लिए भी रामबाण है। ये किसी भी टाइप का इन्फेक्शन घाव में नहीं फैलने देगी। दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज है,
कॉफी पाउडर, ये कम लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन कॉफी पाउडर भी रामबाण है बहते हुए खून को रोकने के लिए। दोस्तों कितना ही तेज आपका खून बह रहा हो, उसमें आप यदि कॉफी पाउडर को भर देते हैं, जो भी घाव है आपका उसको भर के दबा के रखते हैं लगभग 5 मिनट, 5 से 10 मिनट मान लें, 10 मिनट आपको रखते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग तो रुकी जाती है, साथ ही कॉफी पाउडर आपका जो घाव है उसको तेजी से भरने में मदद करता है। ये घाव को बहुत जल्दी भरता है। यदि आप रोज घाव को साफ करके कोई दवाई वगैरह नहीं लगा पाते, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप कॉफी पाउडर को उसमें रोज लगाते रहे, उसके ऊपर पट्टी करते रहे, आपका जो घाव है वो बहुत तेजी से भराएगा, जैसे आप मेडिकेटेड कोई टेबलेट या दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हो, इतनी तेज असर करता है कॉफी पाउडर। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू नुस्खे थे, जो कि अचानक कभी बच्चों को चोट लगती रहती घर में, उस समय ये बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों आप क्या चाहते हैं, किस बीमारी पर या किस सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएं, प्लीज हमें सजेस्ट करते रहें, आपके सजेशन बिल्कुल नहीं आ रहे, आप बहुत कम सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों हम तभी कंटिन्यू वीडियो बना पाएंगे जब आप बराबर हमें सजेशन देते रहे किस बीमारी के बारे में हम वीडियो बनाएं। आपकी ही सलाह से हम 90% अपने वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों प्लीज सलाह दें अपनी, और हम ताकि हम वीडियो बराबर आपको रोज देते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत